अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा मित्सुबिशी गैलेंट के रिगार्डिंग। माशाल्लाह से आपने देखा था, पेंट जॉब हो गया था, ड्राई आउट हो चुकी है, अब फिटिंग्स की तरफ माशाल्लाह से आ रही है गाड़ी। ये देखें जी, गैलेंट का जो बम्पर का पीस होता है प्लास्टिक वाला, ये इधर पेंट बेस कोट लगा दिया गया, इसको पेंट अभी नहीं हुआ पर ये रेडी किया जा रहा है, पेंट हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इसके बाद ये आगे हम चलते हैं, आपको छोटा सामान इसका मज़ीद दिखाएं। ये सारी मोल्डिंग्स हैं, ये भी इंशाल्लाह पेंट हो जानी है। और ये छोटा छोटा पार्ट है जिसमें मड फ्लैप्स आ जाते हैं, ग्रिल है, साइड मिरर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी पेंट हो जाएंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से इसकी काफ़ी टेल लाइट्स ले आए हैं ऑनर लाहौर से, उनने कहीं से सोर्स आउट की थी। अपनी वाली तो टूटी हुई क्रैक थी, इसमें जो मोल्डिंग्स थी ब्लैक थी, तो हमारी वाली जो पुरानी थी उसमें क्रोम वाली थी, क्रोम वाली इस पर हमने शिफ्ट कर दिए। तो अब ये हो गया है कि माशाल्लाह से टेल लाइट्स हमारी कंप्लीट हो गई और साफ़ सुथरी हो गई माशाल्लाह से। मित्सुबिशी गैलेंट नई अपडेट्स में ये कि सामान फिट होता जा रहा है, डोर हैंडल लगा दिए, रबर्स लगा दिए, इसके अलावा वेदर स्ट्रिप लगा दी गई है। ये आ गया जी ड्राइवर साइड का दरवाज़ा, इस पर बल्कि किट भी लगा दी है दरवाज़े की, बाकी मज़ीद पीस लगने अभी काम चल रहा है। बैक डोर की भी किट लग गई है, मेरा ख्याल दूसरी साइड की अभी रहती है। पैसेंजर साइड की फ्रंट की हेडलाइट्स लग गई हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, बस जोड़ रही है साथ। फिर कटिंग पॉलिश का काम भी शुरू हो जाएगा। इस साइड की अभी रहती हैं किट्स वगैरह, वेदर स्ट्रिप्स वगैरह, वो चीज़ें भी रहती हैं, साथ साथ आगे का काम होगा इंशाल्लाह। तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट डन होने वाली हैं चीज़ें। ऊपर इसकी रूफ़ की स्ट्रैप्स भी लग गई हैं, गोले जो होते हैं। बॉडी किट साइड से कंप्लीट हो गई हमारी। डोर हैंडल्स लग गए थे, वो लास्ट में भी मैंने आपको दिखाया था। सनरूफ वाली जगह भी सारी ओके हो गई है ज़बरदस्त। इसके अलावा जी साइड मिरर्स लग गए हैं, साथ साथ आगे की फ़िटिंग्स में आप देखें तो बम्पर अभी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें जी माशाल्लाह, इसमें क्रोम की मोल्डिंग या तो वो मेरा ख्याल नहीं लगाएंगे करामत भाई, और चेंज हो जाएगी तो अच्छा है, ज़रा फ्रेश ही हो जाएगी। इसके अलावा अंदर से भी दिखाते हैं, डोर कार्ड्स वगैरह लग गए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से डोर कार्ड लग गए हैं अंदर से। ये सूरत हाल है, सफाइयाँ चीज़ें होनी हैं, पर ये कि अभी मीन वाइल जो है ये वाले हमारे जो काम रहते थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा पोल भी लग गए, पीछे की टेल लाइट्स मैंने आपको बताया था काबली मिल गई थी, वो लगा दी हैं। यहाँ पे माइनर सा टचअप डाला है, ये देखें। इसके अलावा ये ट्रंक का गार्निश हमारा लग गया, बस साथ साथ मज़ीद फिटिंग्स हो रही हैं। पीछे का बम्पर कंप्लीट हो गया, लग गया जी। इसी तरह फ्रंट का बस अब ग्रिल वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये चीज़ें लगनी हैं, मज़ीद कंप्लीट होती है आपको आगे का दिखाते हैं। देखें गैलेंट जो है कंप्लीट हुई भी आपको नज़र आएगी आज, उस तरह क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई। इंटरनल बस इंटीरियर रहता है, वो मेरे ख्याल डिटेलिंग के लिए कहीं बाहर लेके जाएंगे या किसी अपने नॉन बंदे के पास, वहाँ से इसकी प्रॉपर डिटेलिंग करवाएंगे। खैर वो जब होगा तो फिर कोशिश करेंगे इसका प्रॉपर रिव्यू कर सकें हम आपके लिए। अभी ये है कि इसकी एक वॉक अराउंड करते हैं, आपको गाड़ी की लुक्स दिखाते हैं, जो काम पेंडिंग रह गए हैं वो दिखाते हैं, साथ साथ बातें करते हैं गाड़ी के हवाले से। ये इसका इंजन बे है जी, आपको याद होगा इंजन ओवरऑल किया था हैरी भाई ने यहाँ ही वर्कशॉप पर। फ्रंट फेस अभी आप इसका देखें माशाल्लाह, और शाइन रिफ्लेक्शन आपको सारी नज़र आ रही होगी। गाड़ी कंपाउंड पॉलिश हो चुकी है, रिजल्ट्स काफ़ी मज़े के हो गए हैं। ग्रिल भी इसकी प्रॉपर वाइट कर दी है, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, नंबर प्लेट भी लग गई हैं, हेडलाइट वॉशर वाली जगह क्लियरेंस मिल गई है। ये लाइट वाली जगह थोड़ा सा इशू था, इसको प्रॉपर सेट की है, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हुआ हुआ था, पर माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया काम। इसके अलावा आप देख रहे होंगे बम्पर का गोला इस वक्त नहीं लगा हुआ, वो हमने लगाना है क्रोम का, करामत भाई लगाएंगे उसको। गाड़ी के रिम्स जो हैं अभी वही लगे हुए स्टॉक जिस पे आई हुई थी, पर पता नहीं अब चेंज होते हैं नहीं होते, और वो वाले रिम इस पे एडजस्ट होते हैं या नहीं होते, इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, जब वो टाइम आएगा तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और ये अभी हम पैसेंजर साइड आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त गाड़ी जैक पे है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता पीछे करके
प्रॉपर एक वॉक अराउंड हो जाता, लुक्स आप बेहतर तरीके से देख पाते। पर ये है जी, साइड लुक आप देखें, हैंडल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था पेंट होने थे, लगने थे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, पोल इसका लग गया है। बैक एंड की तरफ आ रहे हैं अब हम। यहाँ पे आप देखें लाइट्स वगैरह चेंज हो गई थी, काबली मिल गई थी, जो कि बहुत ही एक अच्छी एफर्ट थी ऑनर की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपेयर थी, मज़े का काम नहीं हुआ हुआ था रिपेयरिंग वाले से भी। तो अब प्रॉपर काबली लाइट्स लग गई हैं, नंबर प्लेट लग गई है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम ड्राइवर वाली साइड पे। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से गाड़ी कंप्लीट अब आपको नज़र आ रही होगी, किट्स वगैरह। इसी तरह बैक का गोला भी हमारा रहता है, बैक का बम्पर का गोला लगना है। इसके अलावा इस साइड से आपको क्लियरिटी में थोड़ी नज़र आ रही होगी गाड़ी मज़ीद, जिसमें हैंडल्स भी वाइट हो गए हैं। पहले क्रोम में थोड़ी ज़्यादा अच्छी बात थी, लुक अच्छी थी, पर अब मसला ये था कि वो ख़राब थे और मिल नहीं रहे थे हैंडल्स, तो अब इसका क्रोम हटा के इसको वाइट कर दिया गया है प्रॉपरली। इसके अलावा फुटबोर्ड के नीचे थोड़ा सा इशू था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है ऑनर ने, जैसे बताया ट्रेस आउट किया, तो वो चीज़ें भी हमारी क्लियर हो गई हैं। इसी तरह ये इस किट के अंदर गोले का थोड़ा सा मसला है, इसको भी क्लियर कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके फ्रंट शॉक का जो माउंट है उसका मसला है, वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो अभी वो जाएगा वलीद हैरी भाई का स्टाफ, उसको भेजेंगे, वो जाएगा इसका माउंट लेके आएगा काबली, उसके बाद ये लग जाएगी इंशाल्लाह। तो ये है अभी तक की नई अपडेट्स माशाल्लाह से, जिसमें आपको गाड़ी की लुक तो पता चल गई है कि कंप्लीट होगी। स्टेयरिंग व्हील रह गई है, वो आपको दिखा दूँ, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत एड ऑन था इसमें। तो देखते हैं, अगर हम स्टेयरिंग मोड़ नहीं सकेंगे मेरा ख्याल इस वक्त, पर स्टेयरिंग आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत जी स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाडी का टैग है, ब्लैक थीम है उसकी, अंदर से ब्राउन नहीं मिल पाया, पर ये कि बुरा नहीं लग रहा, गाड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो माशाल्लाह से अच्छा हो गया इंटीरियर। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि गंदा हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जैसे मैंने आपको बताया डिटेलिंग वगैरह हो जाएगी, तो वो इंशाल्लाह बेहतरी में आ जाएगा ज़बरदस्त। तो ये रही जी अभी तक की अपडेट्स और गाड़ी की जो फाइनल लुक है यहाँ तक। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर होगी कि आपके लिए प्रॉपर रिव्यू करें इसका, क्योंकि थोड़ी एक यूनिक सी भी है, काफ़ी लोगों को पसंद है, और इस मॉडल में इस टाइप की कंडीशन की गाड़ी मिलती नहीं है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, फिर होती मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।